नमस्कार, मैं सुषमा झारखंड टीवी में आपका स्वागत करती हूँ। कांग्रेस के प्रदेश सचिव रणविजय सिंह ने कांग्रेस प्रधान कार्यालय से हजारों गरीबों को खाना खिलाकर स्वर्गीय राजीव गांधी जन आहार योजना का शुभारंभ किया। धनबाद कतरा कांग्रेस के प्रधान कार्यालय सिजुआ में प्रदेश सचिव कांग्रेस के रणविजय सिंह ने स्वर्गीय राजीव गांधी जन आहार योजना का शुरुआत आज गरीबों को बैठा कर सम्मान पूर्वक अपने हाथों से सभी को दाल भात सब्जी खाना खिला कर किया। इससे पहले बाघमारा के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर घर घर खाना खिलाने वाला स्वर्गीय राजीव गांधी जन आहार योजना की गाड़ी को पूर्व मंत्री ओपी, प्रदेश कांग्रेस सचिव रणविजय सिंह, पार्षद छोटे सिंह ने झंडा दिखाकर रवाना किया। रणविजय सिंह ने कहा, ये योजना जब तक लॉकडाउन रहेगा हजारों गरीबों को खाना जन आहार योजना के द्वारा खिलाने का काम किया जाएगा। उपस्थित लोगों ने कहा, लॉकडाउन में घर पर रहें, जरूरत हो तभी बाहर निकले, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क हमेशा लगा कर रखें, सैनिटाइजर ना हो तो साबुन से बार बार हाथों को अच्छी तरह से साफ करें। जन आहार योजना में पूर्व मंत्री ओपी लाल, झारखंड कांग्रेस प्रदेश सचिव रणविजय सिंह, अजब लाल शर्मा, गजेंद्र सिंह, गणेश मंडल, रमेश सिंह, सुदर्शन चौहान, विनोद महतो, प्रमाणिक रवानी, शिवाधार सिंह, रविंद्र सिंह, रोशन भारती, गोविंद रविदास, दिलीप महतो, विनोद मल्ला, सूरज ने भी गरीबों को खाना खिलाने में मदद की। झारखंड के खबरों से अपडेट रहने के लिए झारखंड टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। आज स्वर्गीय जन आहार योजना का शुभारंभ किया गया है। हम यहाँ के साथ में आए हैं और इसका मकसद सिर्फ ये है कि जो अभी पूरे विश्व में जो कोरोना COVID-19 का फैला हुआ है उसके मद्देनजर हम लोग देखते हुए जब तक कोरोना लॉकडाउन का जो स्थिति अभी बना हुआ है पूरे देश में और जब तक लॉकडाउन रहेगा देश में, ये निरंतर कम से कम 1000-1500 आदमी का यहाँ पर खाना का हम लोग व्यवस्था किए हैं और साथ साथ बाघमारा के तमाम प्रखंड पंचायत में ये ऑटो के द्वारा तथा हाथी के द्वारा बना हुआ खाना जैसे चावल दाल सब्जी पूरी और खीर ये तमाम जगह पर बंटवाया जाएगा। और हमारा लोगों से यही आग्रह है कि जो भी यहाँ पर आ रहे हैं तो उसका सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और डिस्टेंस मेंटेन करके आहार लें, ये बिल्कुल निःशुल्क है और अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, कोई जरूरी आवश्यक काम हो तभी आप लोग घर से बाहर निकलें, ये हमारा सुझाव। ऐसा देखा जाएगा प्रवासी मजदूर झारखंड में बड़े संख्या में यहाँ पे आ रहे हैं, इलाका भी प्रभावित है हमारा इलाका भी, तो क्योंकि सैनिटाइजिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, जिस तरह की दिखाई है उसे व्यवस्था नहीं है। देखिए ये हमने बात भी किया था नगर निगम के लोगों से और जितना संभव हो सका हमने खुद अपने से ही अपने कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दे करके, पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दे करके जहाँ जहाँ संभव हुआ है हमने सैनिटाइज कराने का काम किया है। लेकिन हाँ बिल्कुल ये बात सत्य है कि अभी तमाम जगह पर कहीं कहीं अभी ऐसा हो रहा है कि जो छोटा गली मोहल्ला है वहाँ बड़ा वाला फायर वाला नहीं जा पा रहा, तो उसके लिए हम लोग एक दूसरा विकल्प तैयार किए हैं छोटा हाथी में काम हो गया। फाउंडेशन कर रहा है भैया हमारे जवाब में।